चलो दोस्तों, मैं हूँ अर्शमंडल, आप देख रहे हैं मिक्स मिक्स सेल्फ। गाइस, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसे बीम के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं, मींस बीम में एंट्री कैसे कर सकते हैं। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा, मैं चाहूंगा उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर से जरूर देखना, क्योंकि वो एंट्री करने के लिए मैंने बताया था। फिर मैंने आप लोगों को बोला था अगर आप एडवांस टॉपिक चाहिए, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया, यस मुझे एडवांस टॉपिक चाहिए सर, मुझे एडवांस में बताइए कि बीआईएम के अंदर और क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए बीएम के अंदर। मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बीएम के अंदर अप्लाई कैसे करना है, मीन्स जॉब्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये भी आपको बताऊंगा। तो क्या क्या एडवांस टॉपिक्स पढ़े जा सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाने चाहिए वो भी आपको बताऊंगा, उसके साथ ही साथ कैसे आपको रिज्यूम, क्योंकि रिज्यूम आपका एंट्री पास है तो वो एंट्री कैसे करें, उसके लिए क्या सूटेबल रिज्यूम फॉर्मेट होगा वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो थोड़ी सी वीडियो हो सकती है लंबी बनेगी, एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए डिटेल में वीडियो को देखते हैं, और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को सभी लोग लाइक करेंगे। और क्या आप चाहते हैं कि सर इसी तरीके से एक पीईबी यानी प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग का भी डिटेल वीडियो बनाइए कि उसमें कैसे करियर बना सकता है, उसमें कैसे करियर ग्राफ बन सकता है, क्या क्या टॉपिक उसमें पढ़ने होते हैं। तो मैं आज तो बीआईएम का एडवांस टॉपिक बना रहा हूं, लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे ये सर पीवी के बारे में बताइए डेफिनेटली, क्योंकि पीवी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो भाई वो भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं डिटेल में उस पर भी वीडियो नेक्स्ट वाला बना दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं बीएम के अंदर एडवांस कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए गाइस, और क्या क्या उसके अंदर एंट्री होता है। तो गाइस, लास्ट वीडियो जिन्होंने देखा होगा उसको मैंने बताया था कि आपको कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर जैसे कि ऑटो कैड है, नेविस वर्क है, रेविट है, और उसके साथ टेक्ला है, इसके थ्रू आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। अब चलिए एडवांस की बात करें, तो एडवांस की बात करने से सबसे पहले आपको बता दें कुछ एडवांस टॉपिक्स होते हैं जो हमें सबसे ज्यादा पढ़ने होते हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से एडवांस टॉपिक है। ठीक है, बी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उनको अपने एंड पर भी देख सकते हैं। जैसे कि गाइस, अगर बीम के अंदर आपको करियर बनाना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी सीवी की प्रिपरेशन जो है बहुत बेहतर होनी चाहिए। अगर आपको सीवी अच्छी नहीं है तो बीम के एमएनसीज के अंदर शॉर्टलिस्टिंग ही नहीं आएगी। तो कैसे बनाना है सीवी वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बस आप बने रहिए पेशेंस के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए गाइस। बीम के लिए बिल्डिंग बाय लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग ही प्लान बनेगा, उसी का मॉडल बनेगा, तो बिल्डिंग बाय लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, क्या गाइस, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग जिसमें बीम की डिटेलिंग, कॉलम की डिटेलिंग, फुटिंग डिटेलिंग, क्योंकि हम लोग बीम के अंदर गाइस स्ट्रक्चर्स पे डिटेलिंग करते हैं, तो इनकी डिटेलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं गाइस, SP34। SP34 का अच्छा नॉलेज रहेगा तो स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस बात करें तो इसमें समेशन ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग का अच्छा नॉलेज आपके पास रहना चाहिए। समेशन ड्राइंग और वर्किंग ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ आपका नो डाउट आपको प्लान सेक्शन एलिवेशन नहीं आ रहा है, तो जिसको एलिवेशन नहीं आ रहा है गाइस वो रेविट के अंदर 3D मॉडलिंग बेहतर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विजुअलाइजेशन चाहिए, तो विजुअलाइजेशन के लिए क्या चाहिए आपको यार गाइस, एलिवेशन तो आपको आना चाहिए। तो एलिवेशन मतलब सेक्शन प्लान सेक्शन एलिवेशन, समेशन ड्राइंग वर्किंग ड्राइंग के बारे में नॉलेज, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग को बेहतर तरीके से उसके लिए आप SP34 पढ़ डालो तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ ही साथ बिल्डिंग बाय लॉ का नॉलेज होना चाहिए, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इसके बाद गाइस जैसे कि बीम के अंदर आपको एडवांस मॉडलिंग इन रेबिट आना चाहिए, रेबिट के अंदर एडवांस मॉडलिंग आप कर सके। एडवांस मॉडलिंग इन द सेंस कि आप मॉडलिंग के को पहली बात तो बेहतर तो करना ही है, उसके साथ ही साथ उसके अंदर डिटेलिंग, डिटेलिंग कैसे वॉल के अंदर लेयर्स कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे वॉल के अंदर लेयर्स कैसे बनाएंगे, ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आपको एडवांस एडवांस टॉपिक के अंदर उसमें कैसे कि हमको अगर मटेरियल बनाना है तो मटेरियल किस तरीके से करेंगे, उसके अलावा अगर हमको कोई डोम शेप का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको हम कैसे बनाएंगे, कर्टेन वॉल को कैसे यूज करेंगे, इस तरीके के जो एडवांस मासिंग एंड साइट है उसको हम लोग मासिंग एंड साइट से कैसे बेहतरीन क्लोज बिल्डिंग बना सकते हैं, तो वो सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और नो डाउट इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होने वाला है। दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फैमिली और नॉन पैरामेट्रिक फैमिली। किसी भी बीम की कंपनी में जा रहे हैं अगर आप बिना बिना एडवांस पैरामेट्रिक मॉडलिंग और नॉन पैरामेट्रिक मॉडलिंग बिना पढ़े जा रहे तो गड़बड़ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और इसके साथ ही साथ ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना बीम के अंदर कैसे कोई मॉडल डेवलप करोगे, तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट जिसके अंदर आपको एलओडी 100, एलओडी 200, 300, 350, 400, 500 का डिटेल नॉलेज होना चाहिए। मैंने सोचा है कि एक इस पे वीडियो भी बनाऊंगा डिटेल केवल और केवल इस टॉपिक के ऊपर बहुत जल्दी, अगर आप लोग बहुत ढेर सारे प्यार देंगे, प्यार कैसे देना है लाइक करके देना है, तो मैं कोशिश करूंगा इस पे वीडियो बनाऊं। उसके साथ ही साथ गाइस 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8D ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैं आपको सारे टॉपिक्स नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि और सब जो टॉपिक्स है वो गाइस बेसिक्स है, ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इनके बारे में आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, दैट इज कॉल्ड बीएम 360 के बारे में। बीएम 360 क्या होता है, कैसे इसको यूज करेंगे, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। उसके बाद गाइस स्कैन टू बीम का अच्छा नॉलेज होना चाहिए आपके पास,
कैसे स्कैन करते हैं, लेजर स्कैनर कैसे काम करता है, उसे कैसे कोऑर्डिनेट लेते हैं, फिर रिकैप में कैसे लेके जाते हैं, रिकैप से कौन सा फाइल फॉर्मेट आता है, जितना आप स्कैन टू मुकाने जान लोगे इतना बेहतर है आपके लिए। उसके साथ ही साथ गैस पॉइंट क्लाउड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए आपको। क्या पॉइंट क्लाउड? क्यों? क्योंकि सभी सी बात है, स्कैन टू बीम से थोड़ा सा मेरी तबीयत खराब है, तो खांसी को मैनेज कर लेना। मैं सोचा एक वीडियो बाद में बनाऊं, बट लेट हो रहा था इसलिए मैंने अभी बनाया। तो पॉइंट क्लाउड के बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए गाइस, किस तरीके से लेजर स्कैनर से स्कैन करके पॉइंट्स लेते हैं, उन पॉइंट को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, वो पॉइंट क्लाउड के अंदर आपको देखने मिल जाएगा। ये भाई साहब स्मार्ट बिल्डिंग यानी BMS आजकल चल रहा है, IBMS इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में जितना पढ़ लोगे, जितनी भी एमएनसीज होगी सब के सब स्मार्ट बिल्डिंग बना रही है, मतलब IBMS को यूज कर रही है, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें कैसे लाइट जलना है, कैसे लिफ्ट की रिपेयरिंग करना है, कैसे नोटिफिकेशन आएगा, कैसे बेल बजा के अंदर जाना है, कैसे स्कैन करके एम्प्लॉय के स्कैनर से पता करना है कि किसको एंट्री करना है किसको नहीं करना। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं अपने गुरुकुल के बच्चों को ऑलरेडी पढ़ाता हूँ, तो ये IBMS के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज आपको इंपॉर्टेंट है कि आप जान जाइए। उसके बाद गाइस 3D स्ट्रक्चरल डिटेलिंग्स, 3D स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए आपको SP34 अगर पढ़ा है तभी आप इसको बेहतर कर पाओगे। जिसके अंदर स्लैब को, अगर कोई स्लैब है, स्लैब को कट कर दिया, कट करने के बाद कैसे रेनफोर्समेंट डिटेलिंग दिखाएंगे, कोई डेवलपमेंट लेंथ है उसको किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करेंगे, मतलब जंक्शंस को कैसे ड्रॉ करेंगे, बेसिकली स्टार्टर बार को कैसे ड्रॉ करेंगे, डोवेल बार को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो कुल मिलाकर 3D स्ट्रक्चरल डिटेलिंग जितना बेहतर पढ़ लोगे स्ट्रक्चरल मॉडुलर के तौर पर, उतना बेहतर आपके लिए बेहतर रहेगा गैस। उसके साथ ही साथ गैस यहाँ पर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड वर्क सेट। रेविट के अंदर वर्क सेट, वर्क सेट के लिए आप समझ जाइए कि आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल फाइल कैसे बनाते हैं, जो सेंट्रल फाइल पूछा समझ जाइए वर्क सेट के बारे में पूछेगा। तो सेंट्रल फाइल और वर्क सेट दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा किस तरीके से बनाते हैं, ये फिक्स है कि आपसे इसके बारे में पूछा ही पूछा जाएगा किसी भी बीम की कंपनी में। उसके साथ ही साथ गाइस अगर आप थोड़ा सा MEP ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। MEP ड्राफ्टिंग एज ए सिविल इंजीनियर आपसे बहुत रेयर है कि कोई कराए, बट वो जानकारी चाहते हैं, जैसे कि वो जो जानना चाहते हैं कि HU यूनिट क्या है, वो जानना चाहते हैं केबल ट्रे क्या है, इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसे होता है, ये कॉमन कॉमन टर्म्स है जो कि अगर इसके बारे में पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और आगे चलते हैं गाइस और देखते हैं, और बाकी सारे टॉपिक भी आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, मैं सिर्फ एडवांस टॉपिक की बात कर रहा हूँ जिससे आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा रहेगा, मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है, दिल पे मत लेना, थोड़ा वेट करना, और क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एग्जैक्ट रिज्यूम का फॉर्मेट, एग्जैक्ट पोर्टफोलियो का फॉर्मेट, जो कि बहुत बेनिफिशियल होगा। तो गाइस आपको इसके बाद पता होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से क्लास डिडक्शन, अगर क्लास डिडक्शन नहीं आता तो नेविस्वर का जानना बेकार है, क्योंकि क्लास डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद सिमुलेशन इन नेविस्वर, नेविस्वर के अंदर सिमुलेट कैसे करेंगे, फुटिंग आया, फिर कॉलम आया, फिर उसके बाद बीम आया, बीम के बाद आपका स्लैब आया, स्लैब के बाद पैरापिट वॉल आया, कुल मिलाकर नेविस्वर में सिमुलेशन बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा एस्टिमेशन भी पता है, इसके अंदर कमांड होती है क्वांटिटिफिकेशन, जो लोग नेविस्वर जानते होंगे, तो आप थोड़ा सा एस्टिमेशन के बारे में पढ़ करें कि हम एस्टिमेशन इन सेंस केवल सॉफ्टवेयर के अंदर करना नहीं, थोड़ा उसको लॉजिकल बेस पे, ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज, ब्रिक की डेंसिटी, सीमेंट की स्टैंडर्ड साइज, सीमेंट की डेंसिटी, सॉरी गाइस नेक्स्ट टॉपिक्स देख लेते हैं गाइस क्या इंपॉर्टेंट है। आपको थोड़ा सा अगर अच्छा नॉलेज अगर आप रखेंगे किस चीज का, कनेक्शन इन टिकला, टिकला में भी कनेक्शन काम में आता है और साथ ही साथ नेवी स्ट्रक्चर में भी काम में आता है, तो दोनों में ही कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अपेक्स हिंजेस कहाँ लगाएंगे, इंड प्लेट कहाँ लगाएंगे, बेस प्लेट कहाँ लगाएंगे, बेस प्लेट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो अगर आप कनेक्शन इन टिकला अगर पक्का लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद क्योंकि डेफिनेटली जितने भी बिल्डिंग्स बनती है सब में पार्किंग बनेगा, सब में आपको सेट की जरूरत पड़ेगी, तो उस तरीके कौन कौन से सेट यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। जो भी कंपनी स्टील स्ट्रक्चर पर काम कर रही है वो अगर PEB पे काम न करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसे PEB का आप लोग को चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट करना कि सर PEB का भी एक डिटेल वीडियो बनाइए कि क्या क्या उसके अंदर पढ़ना चाहिए, तो मैं चाहूंगा उसको तो डिटेल में अलग से कवर करूँ। इसके अलावा गाइस जो भी क्या बोलते हैं टेक्ला में इंटरव्यू देने जा रहा है वो फिक्स मानिए कि आपसे GA ड्रॉइंग के बारे में जरूर पूछा जाएगा, जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग, शॉप ड्रॉइंग के बारे में पूछा जाएगा, इरेक्शन ड्रॉइंग के बारे में पूछा जाएगा, फेब्रिकेशन ड्रॉइंग, सिंगल पार्ट ड्रॉइंग के बारे में पूछा जाएगा। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी ऐसी कंपनियां हो जो कि अमेरिकन कोड पर काम कर रही होंगी, ब्रिटिश कोड पर काम कर रही होंगी, ये फिक्स मानिए कि वो सेफ कोड के बारे में पूछेंगे। किसके बारे में पूछेंगे गाइस? सेफ कोड के बारे में, सेफ कोड 00, सेफ कोड 01, जो लोग काम करते होंगे वो लोग BS कोड पे, ब्रिटिश कोड में, उनको पता होगा, तो सेफ कोड फिक्स क्वेश्चन होता है उनका, और डिटेलिंग नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी है। ये कुछ टॉपिक्स है गाइस जो कि एडवांस टॉपिक के तौर पर आते हैं, इसके अलावा और बेसिक नॉलेज, अब ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिन्होंने पहले वाला वीडियो देख रखा, अगर नहीं देखा तो दोस्त जाके देख लो, ठीक है। उसके बाद थोड़े से और चीजें अगर आपको आती है तो आपके प्लस पॉइंट रहेगा, जैसे कि गैस यहाँ पर बीम के कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती है कि उसे पता चलेगा किस प्रोफाइल में क्या काम होता है, तो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए आपका।
थोड़ी सी ये बेसिक्स बेसिक्स नॉलेज है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बारे में, रेविट के अंदर कैसे करेंगे आप एस्टिमेशन उसके बारे में, बीबीएस के बारे में, रीकैप के बारे में, थोड़ा सा डायनेमो के वाले में, अगर इतना जानकारी है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। और नो डाउट अगर आपको फ्यूचर में देखना है कि बीआईएम फ्यूचर में क्या कैसे हो सकता है उसके बारे में, और आपका ये होना ही होना चाहिए, अगर आपके पास कवर लेटर नहीं है, रिज्यूम नहीं है और पोर्टफोलियो नहीं है तो बीम में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। इसके बाद गाइस ये तो भाई ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में प्रोफेशनल वर्ल्ड में, लिंक्डइन पर आपका बहुत बेटर प्रोफाइल होना चाहिए। तो गाइस ये मैंने कुछ आपको एडवांस टॉपिक बताए जिससे आप बीम में आराम से एंट्री कर सकते हैं, ठीक है, और एंट्री इन द सेंस कि आप अच्छा करियर डेवलप कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट टाइम वो टॉपिक सफिशियंट थे, अब आपको ले चलते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या है गाइस, क्योंकि आपको कोई देखेगा तो किस तरीके से आपको जज करेगा कोई आपको पता होना चाहिए। आपको जज करने का सबसे बड़ा तरीका है आपका रिज्यूमे। अगर रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स हैं कि जो एटीएस, आपको अगर पता नहीं तो आप जान जाइएगा इस कंपनी के अंदर जो होती है वहां पर एटीएस सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, कंपनी कभी भी आपके रिज्यूमे को डायरेक्ट नहीं देखती है, ठीक है, जो भी बड़ी एमएनसीज होती है उनके पास एटीएस में अपने रिज्यूमे को डाल देते हैं, अपने कीवर्ड्स को डाल देंगे, जिसका मैच करेगा टॉप 20 उन्हीं के रिज्यूमे को वो देख लेंगे। तो क्या क्या रिज्यूमे में होना चाहिए, मेरे एक स्टूडेंट का मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस दे दिया है आपको, जो गुरुगुल के बच्चे हैं, मैंने इसलिए रेफरेंस दिया गया और यहाँ पर थोड़ी सी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए उनका डिटेल मैंने नहीं शेयर किया, नहीं तो कई लोग कॉल पे कॉल करते थे शायद सामने वाले को बुरा लग सकता था, तो इसलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया। आपको सबसे पहले अपना नाम डालना चाहिए, एड्रेस, मेल आईडी, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना चाहिए। उसके साथ ही साथ गैस यहाँ पर लिंक्डइन का आपको हाइपर लिंक दे देना चाहिए। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो इस बच्चे का लिंक्डइन आईडी खुल जाएगी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका पोर्टफोलियो भी खुल जाएगा, तो इससे क्या हो गया फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। बहुत ज्यादा फुल पत्ती, बहुत ज्यादा फोटो वोटो की जरूरत नहीं होती रिज्यूमे में, क्योंकि एटीएस को चाहिए कीवर्ड्स। अब देखिए इस बच्चे का कीवर्ड्स कैसे मैच करेगा, इसके करियर ऑब्जेक्टिव में ही देख लीजिए, पहला कीवर्ड्स ठीक है, दूसरा कीवर्ड्स, दो कीवर्ड्स मिल गए जो इसको डिजाइनिंग में, इसको शॉर्ट लिस्टिंग करने में हेल्प करेंगे। थोड़ा सा मैं स्केच को थोड़ा पतला कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस यहाँ पर मॉडलिंग है, ठीक है, ये कीवर्ड्स है, डिजाइनिंग है, डिटेलिंग है, ये कीवर्ड्स है। तो ये कीवर्ड्स क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग में हेल्प करेंगे। अभी आगे दिखाता हूँ कैसे इसकी सीवी शॉर्ट लिस्ट हो सकती है, ठीक है। ऐसे ऐसी भी अगर आप बनाए किसी भी एमएनसी के अंदर आप शॉर्ट लिस्टिंग कर लेंगे। अब देखिए आप कितने कीवर्ड्स इनके द्वारा दिए जा रहे हैं, इन्होंने एक कीवर्ड दे दिया ऑटो कैड, फायदेमंद है। दूसरा कीवर्ड दे दिया 2D प्लानिंग के बारे में, दूसरा कीवर्ड दे दिया एलिवेशन सेक्शन डिटेलिंग्स। अब किसी ने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है कि ये मुझे चीजें चाहिए, फट से इसका सीवी शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा। इसके बाद सामने देखिए रेविट, ठीक है, अब रेविट एक कीवर्ड हो गया, रेविट के अंदर मॉडलिंग, डिजाइनिंग, ड्राफ्टिंग, 3D मॉडल, शेड्यूलिंग, कॉस्ट स्पेशल, कितने ढेर सारे कीवर्ड्स हो गए। अब इन कीवर्ड्स की वजह से क्या होगा, इनकी सीवी एटीएस पे ऊपर आएगी। इसके साथ ही साथ गए स्केचअप में, इन्होंने बताया इनको, इन्होंने स्केचअप में 3D मॉडलिंग और डिजाइनिंग कर दिया, फिर से सीवी इनकी हाईलाइट होगी। इंस्केप में इन्होंने अपना दिखा दिया कि मुझे इंस्केप में, यह मतलब इन्होंने कितने ढेर सारे कीवर्ड्स यहीं पर यूज कर लिए। उसके बाद क्योंकि ये गुरुकुल में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो गुरुकुल के इंटर्नशिप का तो अलग ही फायदा है, कैसे आइए दिखाते हैं गाइस। जो लोग भी प्रॉपर बीम के अंदर एक्सपीरियंस अपना चाहते हैं, प्लस चाहते हैं बीम में एक अच्छा कैरियर बनाऊं, दोस्त थोड़ा सा आप अगर पेशेंस रख के 4 महीने अगर हमें समय दे देंगे तो बहुत बेहतरीन कीवर्ड्स डालने को मिल जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप क्या बोलते हैं इन रिज्यूमे को बना सकते हैं। देखिए कैसे इन्होंने अपने कीवर्ड्स को यूज किया हुआ है, प्लानिंग डिजाइनिंग तो कॉमन है, इन्होंने यूज ही कर लिया, ठीक है, इंटर्न बी मॉडलर का ये इन्होंने प्रोफाइल चूज कर लिया, उसके साथ इन्होंने रेबिट और ऑटोकैड के कीवर्ड्स यूज कर लिए, बी मॉडलिंग के कीवर्ड्स यूज कर लिया, डायमेंशंस ऑफ बीआईएम, कैड टू बीआईएम, स्कैन टू बीआईएम, सब के सब कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। अब इन कीवर्ड से क्या होगा, इनकी सीवी ऑलरेडी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। उसके साथ इन्होंने पैरामेट्रिक फैमिली डाल दिया, प्लस हो सकता है कंपनी कुछ और भी चाहिए होगा तो इन्होंने दिखा दिया कि मैंने वो भी ट्रेनिंग में सीखा हुआ है। इस तरीके से करने से क्या होता है गाइस, बहुत जल्दी आपकी जो सीवी है वो शॉर्ट लिस्ट हो जाती है। बाकी नीचे की चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यहीं तक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे तो आप अपना जो पुराना कुछ एक्सपीरियंस है, स्ट्रेंथ है, अपना डिटेल है, वो सब शेयर कर सकते हैं। बट मेन क्या है, इंटर्नशिप को हाईलाइट करिए, जिससे कि क्या होगा आपकी सीवी ज़्यादा शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांस रहेगा। खूब ढेर सारे कीवर्ड्स दीजिए जिससे कि एटीएस को लगे कि हाँ यार ये सीवी तो बहुत रिलीवेंट है। लिंक्डइन आईडी और पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छे से अपडेट करके दीजिए तो बेहतर चांस रहेगा। क्या आप चाहते हैं कि लिंक्डइन के प्रोफाइल के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, इसके कैसे लिंक्डइन पर प्रोफाइल रखना है, क्योंकि उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है। एक सेपरेट वीडियो बनेगा, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, एक दो दिन में अगर आप कहेंगे तो हम उसको शेयर कर देंगे आपके साथ। नेक्स्ट गाइस, पोर्टफोलियो के बाद कोई आपको जज करेगा तो कैसे जज करेगा, वो जज करेगा आपको यहाँ पर प्रोफाइल, पोर्टफोलियो के बेस पे। कैसे जज करेगा इस पोर्टफोलियो के बेस पे,
पोर्टफोलियो अगर आपका अच्छा है तो सामने वाला अगर आपका गैप है तो भी कवर कर लेगा, क्योंकि उसको लगेगा काम तो उसको बेहतर आता है। तो देखिए हमारे गुरुकुल के बच्चे बहुत अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसमें से जैसे कि एक बच्चे कहाँ पर मुझे पोर्टफोलियो मिल गया डाउनलोड्स में, तो मैंने आपको दिखाता हूँ। तो पोर्टफोलियो में उन सारी चीजों को डिस्कस करना चाहिए जिसके ऊपर आप अपना फ्यूचर में करियर बनाना चाहते हैं। जैसे कि इन्होंने अपना आर्टिकल डिटेल दिखा दिया, कॉन्सेप्चुअल मॉडल दिखा दिया, आपको ढेर सारे पोर्टफोलियो का सैंपल चाहिए तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, यहाँ पर रिज्यूमे का भी सैंपल, सिलेबस का भी सैंपल और पोर्टफोलियो का भी सैंपल आपको मिल जाएगा। एक ग्रुप है, आप चाहे तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में भी आपको दे दिया जाएगा। तो देखिए गाइस इन्होंने किस तरीके से इन्होंने ये भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट किया था हमारे गुरुकुल में, इस गुरुकुल का इन्होंने प्रोजेक्ट मेंशन कर दिया, प्रोजेक्ट की प्लानिंग किया था प्लानिंग मेंशन कर दिया, प्लानिंग करने के बाद उसको प्लानिंग को कैसे दिखाया वो दिखा दिया, फिर उसका एलिवेशन दिखा दिया जिससे सामने वाले को ये डिसाइड हो जाए कि हाँ इन्होंने ही बनाया एज अ फ्रेशर। अब सोचिए एज फ्रेशर अगर कोई बना रहा है तो कितना अच्छा है। उसके बाद इन्होंने इसका 3D व्यू रेंडर करके दिखा दिया कि मेरा मॉडल इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद इन्होंने एक दूसरा प्रोजेक्ट दिखाया जो कि मैंने इनको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, ये मेरे खुद के लाइव प्रोजेक्ट मैक्सिमम है गाइस, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि हमारे लाइव प्रोजेक्ट पर ही आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस कराई जाती है। तो इनको उन्होंने टेरिस प्लान दिखा दिया, उसके बाद इन्होंने दिखाया कि इसका कैसे टॉप व्यू दिखेगा, स्टील फ्लोर कैसे दिखेगा उसके बारे में दिखा दिया। उसके बाद दिखा दिया ये अलग फ्लोर की, इनको अगर कोई देखना चाहे रेंडर व्यू में अपने शेड व्यू वगैरह के साथ वो दिखा दिया इन्होंने। फिर इन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से की प्लान हम बनाएंगे, फिर इन्होंने प्रॉपर एक एलिवेशन शानदार सा दिखाने का प्रयास कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिखा दिया कि इसके हम लोग कैसे कैसे लेआउट है, कैसे कैसे प्लानिंग किया हमने। प्लानिंग करने के बाद इन्होंने लेआउट को दिखा दिया कि किस तरीके से यहाँ पर कॉलम्स वगैरह है, कॉलम्स वगैरह का पोजिशन दिखा दिया। फिर इन्होंने वर्किंग ड्राइंग दिखा दिया, फिर शेड्यूल दिखा दिया कि मुझे शेड्यूलिंग भी करना आता है रेविट के अंदर। तो देखिए इन्होंने पूरा यहाँ पर शेड्यूलिंग भी करके दिखा दिया जिससे कि सामने वाले को आइडिया लग जाए कि इनको फुटिंग वगैरह का लेआउट भी करना आता है। सॉरी बड़ा क्यों नहीं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने ये भी दिखा दिया। इसके बाद गैस देखिए इन्होंने फुटिंग का लेआउट, बीम का लेआउट, सबके पूरी डिटेलिंग, सबके फाउंडेशन का शेड्यूलिंग, ये सब कुछ करके रेबिट के अंदर दिखा दिया। कोई भी कंपनी होगी वो अगर एज अ फ्रेशर दिखेगी वो तो इम्प्रेस हो जाएगी यार कि इसको इतना कुछ आता है इस बच्चे को, जिसको कॉलम बीम फुटिंग स्लैब सभी लगाना आ रहा है, शेयर वॉल तक लगाना आ रहा है, डोर की फुटिंग की शेड्यूलिंग करनी आ रही है, स्टील प्लान वगैरह कैसे बनाना है वो सब कुछ इन्होंने दिखा दिया कि मुझे इस तरीके से आता है गाइस। रेवी स्ट्रक्चर पे इन्होंने दिखा दिया किस तरीके से हम लेआउट तैयार कर सकते हैं, रेनफोर्समेंट थ्री डी डिटेलिंग किस तरीके से 3D में करके दिखा सकते हैं सेम प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद उसमें कैसे हम बार डाल सकते हैं, जंक्शन पे बार कैसे डाल सकते हैं, उनके जंक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं, लेआउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फुटिंग्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका फुल डिटेल इन्होंने दे दिया। अब एज अ फ्रेशर आप सोचिए कोई अगर किसी कंपनी में जा रहा है अगर ये पोर्टफोलियो दिखा रहा है तो उसको क्या समझ में आएगा यार कि उसको बढ़िया से मॉडलिंग भी करना आ रहा है, डिटेलिंग भी करना आ रहा है, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग भी करना आ रहा है, 3D डिटेलिंग, एस्टिमेशन, BBS, इस तरीके से आप बहुत अच्छे अच्छे ये तो मतलब कि आपको एक मैंने एक रिज्यूम का सैंपल दिखाया। अगर आपको ढेर सारे रिज्यूम चाहिए, सैंपल चाहिए तो गाइस कमेंट कर देना आपको मिल जाएगा। आज मैंने बस इतना ही कवर किया गया, इसके पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाएंगे, CV किस तरीके से बनाएंगे। आप चाहते हैं कि सर पोर्टफोलियो मुझे बनाने का कोई वीडियो मिल जाए कि कैसे क्रिएट करना है, तो मैंने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया गया है, आप जस्ट सर्च कर लेना, ठीक है। यहाँ पर सर्च करना कि पोर्टफोलियो, मैं बनाने को ही बता देता, अभी थोड़ी सी मेरी तबीयत डाउन है इसलिए क्या बोलते हैं शायद मैं ना बना पाऊँ, अभी ना बता पाऊँ, तो इसलिए आपको दिखा देता हूँ कि पोर्टफोलियो मेड बाई गुरुकुल स्टूडेंट्स। यहाँ चाहिए तो कुछ सिंपल्स हैं कि किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाया जाता है। यहाँ पर हमारे कई बच्चों ने अपने पोर्टफोलियो बना के यहाँ पर शेयर भी किए हुए हैं, ठीक है, हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि कैसे बनाना है सर स्टेप वाइज बता दीजिए, वो तो बताया नहीं आपने, तो भाई बताया है, रुको एक मिनट। ठीक है ये गाइस पूरा क्रिएट वीडियो हमने किया हुआ कि डिटेल में कैसे कैसे पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो, बेस्ट पोर्टफोलियो का पूरा एग्जाम्पल भी दिखा दिया है, पूरा स्टेप वाइज आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो कोई भी वीडियो देख सकते हैं, आधे घंटे का वीडियो है, आप डिटेल में सीख सकते हैं किस तरीके से पोर्टफोलियो को बनाना है। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा डेफिनेटली कि आपको पोर्टफोलियो बनाना भी आ गया, आपको ये भी पता चल गया कि पोर्टफोलियो होता कैसे। आपको ढेर सारे सैंपल चाहिए तो हमारी यूनिक सिविल ऐप का भी लिंक नीचे दिया हुआ, वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में ढेर सारे पोर्टफोलियो के लिंक्स हमने दे रखे हैं, तो वहाँ से आप पोर्टफोलियो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में गाइस जानना है, वैसे तो बीम के लिए आपको बहुत बेहतर ऑप्शन की गुरुकुल के अंदर कर सकते हैं, और भी किसी टॉपिक के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट करना। साथ ही साथ आशा करता हूं आपको ये डिटेल वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इन टॉपिक्स जो टॉपिक्स मैंने बताया है मैं आपको चाहिए सबको शेयर कर दूंगा, तो टॉपिक्स के बारे में आप एक एक करके प्रिपेयर भी कर सकते हो,
पूरा वो चेकलिस्ट एक तरीके से, कि अगर अभी हमें करियर कैसे बनाए, पोर्टफोलियो का सैंपल दे दिया, पोर्टफोलियो बनाना कैसे उसका वीडियो दे दिया आपको, रिज्यूम का सैंपल दे दिया कि रिज्यूम किस तरीके से बनाना है, सब कुछ आप ले लीजिए अच्छे से, करियर बनाइए। आपको प्रॉपर डिटेल मैनर में सीखना है, तो 4 महीने की जो बैच है वो 10th of July से स्टार्ट हो रही है, जो भी लोग सीरियस है वही यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। बैच में 30 स्टूडेंट्स की पूरी बैच होती है, जो कि यूनिंग में 8:30 से 10 अगर आप साइट पर जॉब कर रहे हैं तो भी उसको में करियर बना सकते हैं, बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों ने हमारे थोड़ी तबीयत डाउन थी इसको भी मैनेज किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।